हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबीज क्राफ्टी किचन। फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी है जो मेरी अपनी पर्सनल है, लेकिन वो इतनी अच्छी रेसिपी है कि अगर आप एक बार उसे बनाएंगे तो हर सर्दियों में वो आपके घर में जगह बना लेगी। वो इतनी टेस्टी और इतनी हेल्दी होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए ना मैंने ये अदरक लिया हुआ है और इसे मैंने धो के साफ कर लिया है अच्छे से। और ये कितना है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा था जिसमें से मैंने इतना लिया है अपने अदरक की बर्फ़ी के लिए। अब हमें इसे पीस के और बारीक पेस्ट बनाना है। और इसको पेस्ट बनाने के लिए ना फ्रेंड, इसमें हम पानी की जगह इस दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये पीसेगा नहीं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसको मैं कट करके छोटे छोटे और फिर आपको पीस के दिखाती हूँ। और इसमें से खोल खोल के चलाते हुए हमें इसको पीसना है। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिए हैं और इसे मैं जार में डाल देती हूँ। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध अभी, और फिर जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बनाऊँगी, कि बीच बीच में हम खोल के चला लेंगे कि कोई टुकड़ा छूट ना जाए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये सब अच्छे से पीस लिया है। मैंने एक दो बार जार को खोल के और चला लिया था ताकि एक भी टुकड़ा बच्चे नहीं। ये देखिए कितना फाइन सा पेस्ट बन के ये तैयार कर लिया है मैंने। ये देखिए ये पूरा, और इसमें मुझे आधा कप मैंने दूध लिया था तो एक चम्मच सिर्फ दूध बचा है और पूरा आधा कप दूध मुझे इसे पीसने में लग गया। ये देखिए सिर्फ एक चम्मच ही बचा है और बाकी, और इसमें ऐसा नहीं कि इतना ही दूध लगेगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उतना डाल के हम पीस लेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कटोरी से ये एक कटोरी अदरक का पेस्ट था, जो कटोरी से मैंने ये चीनी लिया है ना, इसी कटोरी से एक कटोरी अदरक का पेस्ट था और इसी कटोरी से एक कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी लिया है और थोड़ा सा चीनी और ले लूँगी, मैंने एक कटोरी से सवा कटोरी के करीब। और ये है एक कटोरी भर के घर की फ्रेश दूध की मलाई, जो हम दूध से मलाई निकालते हैं ना, ये वही वाली मलाई है। अब हमें इन तीन चीज़ों के सिवा और कुछ ज़रूरत नहीं है। और गैस की हम फ्लेम कर देंगे यहाँ पे फुल तेज, और इस पे हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए चीनी भी पिघल गया और मलाई भी पिघल के और कितना ये पतला सा लिक्विड हो गया है, क्योंकि तीनों चीज़ें पिघलने वाली हैं और ये पतली हो गई हैं। अब इसे हमें चलाते हुए पकाना है और ये धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है, और फ्रेंड्स थोड़ी देर में जब ये हल्का सा गाढ़ा होगा तो इसमें से ना बबल्स आने लगते हैं, थोड़ा सा उड़ता है। तो उस टाइम अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, इस टाइम देखिए ग्लव्स पहन लीजिए या थोड़ा सा दूर से ही पकड़ के चलाइए, क्योंकि कभी कभी ये उड़ने लगता है फिर जलने का डर लगता है। और इस समय इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है, और ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है और कलर भी चेंज करने लगा है। अब हमें यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अब बनके तैयार हो जाएगा। और इसके बनने की पहचान यही है फ्रेंड्स, कि ये बहुत जल्दी फूलने लगता है और हल्का हल्का सा नीचे से बादामी सा कलर लेने लगता है। और देखिए पूरा पैन छोड़ दिया है और ये फूलने लगा है, जैसे आप चलाएंगे ना तो ये अच्छे से बहुत फूलने लगेगा। बस ये हमारा तैयार है, अब हम चलेंगे जमाने के लिए। तो इस प्लेट मैंने घी लगा के फैला लिया है और इस पे इस पूरे को पलट देंगे और अच्छे से इसे फैला देंगे, ताकि ये जैसे हमें अपनी थिकनेस रखनी है बर्फ़ी की, उस हिसाब से इसको पूरे में अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से फैला दिया। और फ्रेंड्स इसी टाइम में ना इसमें थोड़ा सा मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये सूख के थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर टूटने लगता है। तो मैं इसमें छोटे छोटे पीसेस में निशान लगा रही, क्योंकि अदरक की है ना तो इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं खा सकते, ये थोड़ा गर्म भी होता है सर्दी के लिए तब फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा सा सूखेगा तो मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम या काजू चाहे तो आप लगा सकते हैं, मैं थोड़े से बादाम लगा दूंगी ताकि दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे, अभी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा गीला है। फ्रेंड्स तो ये देखिए ये कितनी अच्छी सी बन के तैयार हुई है और बहुत अच्छे से जम गया है। तो चलिए इसे कट करते हैं। और ये इतने अच्छे से जम गया ना, इसीलिए इसको ना पहले से मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये टूटने लगता है। तो चलिए कट करें और प्लेटिंग करते हैं। देखिए ऑयलिंग किया था प्लेट में तो ये प्लेट छोड़ने भी लगा है, नाइफ की तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे।
ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी होती है कि इसको इस बादाम की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए लगाया कि थोड़े से सुंदर लगे, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मैं प्लेटिंग कर दी हूँ, ये इतने बचे हुए हैं। और फ्रेंड मैं पर्सनली बनाती हूँ, मैं बादाम नहीं लगाती हूँ। अब ये इतने ड्राई होते हैं ना, बादाम निकल गया, कुछ लगे हैं कुछ निकल गया। फर्स्ट क्लास से हमारी अदरक की बर्फी तैयार है। अब टेस्ट का टाइम है, बताऊं? मेरा तो बहुत फेवरेट, मेरे घर वालों का सबका बहुत ही पसंदीदा, मेरे यहाँ जितने मुझे जानते हैं खाते हैं सबके बहुत पसंदीदा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इसमें कुछ कमी हो तो कमेंट्स में आप बताइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय।